नॉलेज ऑफ साइंस में आप सबका स्वागत है। नॉलेज ऑफ साइंस में आज हम जानेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड सोमेटिक स्ट्रक्चर। जो सोमेटिक स्ट्रक्चर हैं उनका स्पेशल मॉडिफिकेशन और फिर उसके अलग 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 कार्य क्या होते हैं। सबसे पहला हम समझेंगे एप्रीसोरियम के बारे में। तो जो एप्रीसोरियम है वो एप्रीमियर शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है टू प्रेस अगेंस्ट, किसी के खिलाफ उसको हल्का पुश करना, प्रेस करना, जिसका प्लूरल फॉर्म होता है एप्रीसोरिया। एप्रीसोरियम हाइफा जो होता है उसका फ्लैटेन टिप या चपटा हुआ जो टिप है वो, या फिर जर्म ट्यूब जो प्रेसिंग आर्गन का काम करता है, जिसके द्वारा ये स्ट्रक्चर होस्ट सेल से चिपकने का काम करते हैं और माइन्यूट इन्फेक्शन पैक बनाते हैं जो पेनिट्रेट करता है एपिडर्मल सेल को और वहां से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। ये आपको देखने को मिलेगा पक्सीनिया और इराइसिफी में। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो फ्लैट टिप है हाइफा की, और यहाँ से ये जो इन्फेक्शन पैग या पेनिट्रेशन पैग यहाँ से बना और ये एपिडर्मल सेल को पेनिट्रेट किया और यहाँ फिर ये सेल को भी अंदर पेनिट्रेट किया और हास्टोरिया बनाया। तो इस प्रकार ये न्यूट्रिशन प्राप्त करता है और मेन इसका मकसद होता है एप्रीसोरियम का, जो इसका सरफेस है, जो क्यूटिकल का सरफेस या होस्ट का सरफेस है उससे चिपकना है। अगला हम जानेंगे हास्टोरियम। तो हास्टोरियम हास्टर से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है ड्रिंकर और जिसका प्लूरल फॉर्म है हास्टोरिया। हास्टोरियम एक सोमेटिक हाइफा का आउटग्रोथ होता है जो एक स्पेशल न्यूट्रिएंट अब्जॉर्बिंग आर्गन होता है। ये जो पैरासिटिक फंगस है उसके ऊपर ये आउटग्रोथ या हास्टोरियम बनता है, जो पियर्सिंग मैकेनिज्म के द्वारा लिविंग होस्ट से न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करता है। ये आपको अलग अलग जीनस में अलग अलग प्रकार का देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर के आधार पे। तो फिंगर लाइक पेरनोस्पोरा में देखने को मिलेगा, नोब लाइक एल्बिगो और इलांगेटेड इरासिफी में आपको देखने को मिलेगा हास्टोरियम। यहाँ आप देख सकते हो ये जो इन्फेक्टिंग फंगल हाइफा है, यहाँ से ये इन्फेक्शन पैक बनाया और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर या फिंगर लाइक हास्टोरिया बनाया, जो कि पेरनोस्पोरा का प्रमुख उदाहरण है, और यहाँ से ये न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करेगा। तो ये हो गया हास्टोरियम। अब हम समझते हैं राइजोइड्स के बारे में। राइजोइड्स राइजा और ऑइड से मिलके बना है। राइजा मीन होता है रूट्स और ऑइड्स मतलब होता है लाइक। तो जो रूट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको बोलते हैं राइजोइड्स। वास्तव में ये सिलेंड्रिकल रूट लाइक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती हैं कुछ फंगस, जिनमें सबस्ट्रेटम बनता है बनाते हैं और सबस्ट्रेटम में ये सिलेंडर रूट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। ये जो सबस्ट्रेटम है उससे थैलस को चिपकाने में कार्य करते हैं और ये चिपकने के बाद ये जो सबस्ट्रेट है वहां से न्यूट्रिशन या न्यूरिशमेंट प्राप्त करते हैं। इसका एग्जाम्पल राइजोपस में आपको देखने को मिलेगा। समझते हैं राइजोमार्फ को। राइजा मीन होता है रूट्स और मार्फ मतलब होता है शेप। तो रूट शेप की जो स्ट्रक्चर होती है उसको राइजोमार्फ कहते हैं। वास्तव में ये क्या होता है, ये सोमेटिक हाइफा की जो थिक स्टैंड मतलब कि मोटी स्ट्रैंड होते हैं, मोटे तंतु होते हैं। और इसमें होता क्या है, हाइफा अपनी इंडिविजुअलिटी खो देता है। हाइफा
इतना कम्पैक्ट हो जाता है कि हाइफा को पहचानना मुश्किल होता है और कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनाता है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करने को के लिए उपयोगी है, या फिर एडवर्स कंडीशन में ये रेजिस्टेंट रहते हैं, और डारमेंट कंडीशन में पड़े रहते हैं। जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तब ये दोबारा से फिर जर्मिनेट करते हैं और अपनी साइकिल को आगे बढ़ाते हैं। इसका नाम राइजोमार्फ इसलिए पड़ा क्योंकि जो ये रूट टिप है तो इसका जो स्ट्रक्चर रूट टिप के ही जैसा होता है, इसीलिए इसका नाम राइजोमार्फ पड़ा। इसका एग्जांपल आर्मिलेरिया मिलिया है, ये एक पॉइजनस फंगस होता है। स्क्लेरोटियम स्केलरान से मिलके बना है, जिसका मतलब होता है हार्ड, जिसका प्लूरल फॉर्म होता है स्क्लेरोसिया। तो जहाँ पर स्क्लेरोटियम लिखा हो तो समझ जाना ये सिंगुलर फॉर्म है, जहाँ पर स्क्लेरोसिया लिखा हो वहाँ पर प्लूरल फॉर्म को बताता है। स्क्लेरोसियम वास्तव में रेस्टिंग बॉडी होती है जो कठोर राउंड मस्टर्ड सीड लाइक स्ट्रक्चर होती है, साइलेंड्रिकल या इलांगेटेड जैसा कि आप क्लेविसेप्स में देख सकते हैं, और इसका कलर डार्क कलर्ड ब्लैक या ब्राउन होता है। ये माइसीलियम के एग्रीगेशन से बनता है। माइसीलियम जब एग्रीगेट होता है, ऑर्गेनाइज होता है और अपनी इंडिविजुअलिटी खो देता है, तब ये रेस्टिंग स्पोर या स्क्लेरोटियम बनते हैं। ये भी रेजिस्टेंट होते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। ये अनफेवरेबल कंडीशन में डारमेंट कंडीशन में लंबे समय तक पड़े रहते हैं, जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये जर्मिनेट करते हैं। ऐसा स्क्लेरोटियम स्ट्रक्चर आपको स्क्लेरोटियम और राइजोक्टोनिया जीनस में देखने को मिलेगा। दूसरा स्ट्रोमा, स्ट्रोमा मतलब होता है मैटर्स। मैटर्स क्या होता है, जो कुशन लाइक स्पंज होते हैं, जो गद्दे होते हैं उसको कहते हैं। तो स्ट्रोमा उससे मिलके बना है, जिसका प्लूरल फॉर्म होता है स्ट्रोमेटा। स्ट्रोमा कम्पैक्ट सोमेटिक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कुशन लाइक आपको देखने को मिलती हैं। जो कुशन लाइक कम्पैक्ट सोमेटिक स्ट्रक्चर होती हैं उसको बोलते हैं स्ट्रोमा, और इनका काम होता है फ्रक्टिफिकेशन के लिए। जिसके ऊपर या जिसके अंदर, ये जो स्ट्रोमा है इसके ऊपर या स्ट्रोमा के अंदर फ्रक्टिफिकेशन होता है। फ्रक्टिफिकेशन स्पोर या फ्रूटिंग बॉडी का बनना फ्रक्टिफिकेशन कहलाता है। तो स्ट्रोमा के अंदर स्पोर और फ्रूटिंग बॉडी बनती हैं। ये एक कॉम्पैक्ट सोमेटिक स्ट्रक्चर होता है। ये दो प्रकार का होता है, सब स्टोमेटल स्ट्रोमा और पेरिथीसियल स्ट्रोमा। सब स्टोमेटल स्ट्रोमा ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर होती है जो एपिडर्मिस सेल में सब स्टोमेटल रीजन होता है उसके नीचे बनती है, जहाँ से ये स्पोरोफोर्स बनाते हैं। या यूं कहें ये जो सब स्टोमेटल रीजन है वहाँ पर एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे और वहाँ से स्पोरोफोर्स को प्रोड्यूस करेंगे, और ये स्पोरोफोर्स स्पोरोस्पोर्स बनाने का काम करते हैं। ये आपको सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा में देखने को मिलेगा। अगला जो था वो था पेरिथीसियल स्ट्रोमा। तो जो कुछ फंगस हैं जिसमें पेरिथीसियल लाइक रिप्रोडक्टिव बॉडी बनती हैं, जो स्ट्रोमा के चारों तरफ एम्बेडेड रहती हैं, ये आपको देखने को मिलेगा क्लेविसेप्स में। अब देखते हैं इसके फंक्शंस, क्योंकि जितने भी हमने देखे उनके सिर्फ तीन ही फंक्शन थे। स्ट्रोमा मान लो तो रिप्रोडक्शन का फंक्शन हो गया, स्क्लेरोटियम और राइजोमॉर्फ अनफेवरेबल कंडीशन में टॉलरेट करने के लिए, और हास्टोरिया एप्रिसोरियम और जो राइजोइड्स ये न्यूट्रिएशन के लिए परिवर्तित हुए थे। तो इनके तीन मुख्य फंक्शन होते हैं, टू ऑब्टेन न्यूरिशमेंट
फॉर न्यूट्रिशन, और दूसरा जो है ये रजिस्ट या टॉलरेट करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, जैसे ओवर विंटरिंग और ओवर समरिंग के लिए। तीसरा रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर, ये रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये स्ट्रक्चर्स का मॉडिफिकेशन होता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे लेक्चर के साथ, हमें दीजिए इजाज़त।